हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक सोशल साइंस के प्रश्न को देखेंगे। सोशल साइंस का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है 1848 की फ्रांस की क्रांति के क्या कारण था, मतलब जो फ्रांस की क्रांति सन 1848 में हुआ था इसका क्या कारण। देखिए, हर एक क्रांति, कोई भी क्रांति होती है तो उसके पीछे कारण होता है। जैसे उदाहरण के लिए रूसी क्रांति हुई, उसका भी कारण हुआ। फ्रांस क्रांति हुई, उसका भी कारण हुआ। जैसे अभी आपने देखा होगा अग्निवीर के लिए धुआं धूर हर जगह ट्रेन को जलाया गया था, हर जगह मारपीट किया गया, उसका भी कारण था कि 4 साल मोदी सरकार ने कर दिया था। तो हर एक चीज के पीछे कारण होता है। क्रांति मतलब क्रांति किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है, क्रांति बहुत सारे व्यक्ति मिलकर करते हैं। कोई शुरू एक व्यक्ति करता है लेकिन बाद में वो फैलते 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 समूचा राष्ट्र में फैल जाता है। तो सवाल यही है कि 1848 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके क्या कारण था। देखो, सबसे पहले समझो, फ्रांस उस समय आजाद नहीं था, जैसे अभी भारत आजाद है। फ्रांस उस समय, ध्यान दो, फ्रांस उस समय राजतंत्र था, वहां पर राजतंत्र था, राजा ही शासन करते थे। एक राजा था लुई फिलिप। ध्यान दो, अब तुम बोलोगे सर ये क्या है लुई फिलिप, ध्यान समझिए। सबसे पहले समझो लुई का मतलब क्या होता है। लुई का मतलब होता है राजा, फ्रांस का राजा। राजा किसका राजा? जैसे रूस में होता है जार, रूस में राजा जो होता है उसको जार कहते हैं। उसी प्रकार लुई जो होते हैं, लुई 14, लुई 15, लुई 16, इसी प्रकार लुई फिलिप था। लुई का मतलब होता है फ्रांस का राजा। फ्रांस का राजा जो होता है, जो किंग होता है, उसे कहते हैं लुई। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए डन। अब देखिए क्या किया लुई फिलिप ने। लुई फिलिप जो इसकी नीति जो थी ना, बहुत कमजोर नीति थी। ये उदारवादी था। उदारवादी मतलब होता है दानी प्रवृत्ति का। ये दान देने में विश्वास करता था, समझे बात, उतना टाइट नहीं था। जैसे राजा को होना चाहिए एकदम, ना तो टाइट होना चाहिए ना तो कमजोर, मीडियम होना चाहिए, एकदम बैलेंस होना चाहिए। ये इसका रवैया बहुत धुलमुल था, बहुत कमजोर था, बहुत उदारवादी था। यह एक बहुत बड़ा कारण था। लुई फिलिप उस समय राजा था 1848 में। ऑब्जेक्टिव में तुम्हें कोई यह भी पूछ सकता है कि बताइए, जब 1848 की फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय राजा कौन था? लुई फिलिप। या ये पूछ लेगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1848। देखो, दो क्रांति हुई थी, एक 1830 में हुई थी फ्रांस की पहली क्रांति, और फिर 1848 में 18 साल बाद हुआ था। दो फ्रांस की दो क्रांति हुई थी, 1830-1848 वाले में लुई फिलिप था। लुई फिलिप या क्या था? कमजोर शासक। क्या था? कमजोर। और इसकी नीति उदारवादी थी, जिसके तहत वो वहां पर लोग, यहाँ की जनता जो थे, इससे खुश नहीं थे। दूसरी बात, और क्या कारण था सर? भूखमरी और बेरोजगारी। फ्रांस भले ही अब डेवलप हो चुका है, विकसित हो चुका है, फ्रांस के पास एक एक मिसाइल है, अच्छा अच्छा सब कुछ है, लेकिन एक समय था जब फ्रांस बहुत ही भूखमरी, मतलब खाने को कुछ नहीं था, और बेरोजगारी। दूसरा पूछेगा तो भूखमरी और बेरोजगारी, इस पॉइंट ध्यान रखना। भूखमरी और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी क्या थी वहां पर? समस्या थी। और तीसरी बात, असफल तीसरा क्रांति कारण बोलेगा तो असफल विदेशी क्रांति, विदेश नीति, असफल असफल विदेश नीति, विदेश नीति, यह भी एक बहुत बड़ा क्या था? कारण था। तीन कारण था इसका मुख्य रूप से। पहला बोलो, पहला कौन था? यही हमारा लुई भाई साहब, लुई फिलिप की कमजोर और उदारवादी नीति। दूसरा, बेरोजगारी और भूखमरी।